राजनपुर सर्कल बंगला अच्छा में कच्चे के डाकों के करोड़ रुपए मालियत की भैंसों की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। इत्तला मिलने पर बंगला अच्छा और सोन में आनी पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। पुलिस का मफरूर डाकों का ताकुब, पुलिस और डाकों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस का बरवक्त रिस्पॉन्स, शदीद फायरिंग से डाकू भैंस छोड़कर फरार हो गए। 1,35,00,000 रुपए मालियत की 27 कीमती भैंसें असल मालिकान के हवाले कर दी गई। आपको बता रहे हैं राजनपुर सर्कल बंगला अच्छा में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फौरी रिस्पांस किया गया। डाकुओं की करोड़ों रुपए मालियत की भैंसों की डकैती की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इत्तला मिलने पर बंगला अच्छा और सोन में आने पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। पुलिस का मफरूर डाकुओं का ताकुब, पुलिस और डाकुओं के दरमियान इस दौरान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। राजनपुर सर्कल बंगला अच्छा में कच्चे के डाकुओं के करोड़ों रुपए मालियत की भैंसों की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। इत्तला मिलने पर बंगला अच्छा और सोन में आनी पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। पुलिस का मफरूर डाकुओं का ताकुब, पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस का बरवक्त रिस्पॉन्स, शदीद फायरिंग से डाकू भैंस छोड़कर फरार हो गए। 1,35,00,000 रुपए मालियत की 27 कीमती भैंसें असल मालिकान के हवाले कर दी गई। आपको बता रहे हैं राजनपुर सर्कल बंगला अच्छा में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फौरी रिस्पॉन्स किया गया। डाकुओं की करोड़ों रुपए मालियत की भैंसों की डकैती की कोशिश को नाकाम बनाया गया। इत्तला मिलने पर बंगला अच्छा और सोन में आने पुलिस ने बरवक्त एक्शन लिया। पुलिस का मफरूर डाकुओं का ताकुब, पुलिस और डाकुओं के दरमियान इस दौरान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ।